मैं डॉक्टर गया सिंह, पूर्व प्राचार्य हरिचंद पीजी कॉलेज, संस्थापक प्रबंधक संत किनाराम पीजी कॉलेज, संत किनाराम महिला पीजी कॉलेज, संत किनाराम पब्लिक स्कूल, संस्थापक निदेशक भारतेंदु संस्थान, भारतेंदु पीठ। मैं आज अपने छोटे भाई डॉक्टर गोपाल सिंह को स्नातक एमएलसी के चुनाव में प्रथम वरीयता प्रदान करने के लिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। इस आशय के साथ कि मुझे विश्वास सूत्रों से अज्ञात हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की माननीय न्यायालय ने संभवतः पार्टियों को इस बात का निर्देश दे दिया है कि वे अपने प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं, मगर मैं साग्रह पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय से और संपूर्ण प्रशासकों से, संपूर्ण देश के नेतृत्व से, संपूर्ण देश की पार्टियों से कि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी हुआ करती है जिसमें हर मतदाता पढ़ा लिखा होता है। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि स्नातक उपाधि करने प्राप्त करने के पश्चात चाहे वह समाज का कोई भी वर्ग हो और सबसे सुप्रीम वर्ग माना जाता है आईएएस और आईपीएस का, वह भी स्नातक में वह मतदान कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में जहां देश का कोई भी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के लिए अपना मतदान कर सकता है और देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव नहीं होता, मगर सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का और अन्य प्रदेशों का इनके साथ कि वे ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव करते हैं, मगर स्वतंत्र रूप से यदि कोई एमएलसी का चुनाव लड़ता है तो स्वतंत्र रूप से वह स्नातकों की समस्याओं का वह भली भांति निराकरण करने के लिए आजाद हुआ करता है, लेकिन पार्टियों के साथ संबद्धता अगर किसी ऐसे चुने हुए एमएलसी के साथ हुआ करती है तो निश्चित रूप से वह पार्टियों के दबाव में और अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार वह चलेगा। वह स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है। इस अवस्था को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उसे उसने अगर ऐसा कहा है तो उसे संभवतः इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।